हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ योर टीचर पूजा सहानी विथ योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, एंड द चैप्टर नंबर 12 नेम इज़ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, सो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? क्वालिटीज़ होती हैं नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन को जो भी वर्ड मॉडिफाई करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स। अब हम ये सीखेंगे कि क्या होता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, सो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड, वो यूज़ किए जाते हैं टू मेक कंपैरिजन्स, कंपैरिजन्स करने के लिए। ओके, कंपैरिजन्स मतलब जब हम किसी एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं, कंपैरिजन कहते हैं उसे बच्चों। एडजेक्टिव्स हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव में थ्री फॉर्म्स होती हैं कंपैरिजन्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आपको याद रखना है बच्चों के एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं कभी कभार कंपैरिजन करने के लिए। ओके, सो एडजेक्टिव की तीन फॉर्म्स होती है कंपैरिजन की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होते हैं ये तीनों फॉर्म्स। पॉजिटिव फॉर्म होती है बच्चों, दिस इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की बिल्कुल बेसिक फॉर्म होती है। जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा सेंटेंस में तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री। ओके, जैसे शी सिंग्स लाउडली, वो तेज़ गाती है, ज़ोर से गाती है। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट? शी को बस मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है लाउडली। ओके, सो जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता तब होता है पॉजिटिव फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव फॉर्म। जब दो चीज़ों के बीच में या दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव फॉर्म। जैसे आर किचन इज़ ब्राइटर देन आर बेडरूम। अब यहाँ किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? बेडरूम और किचन के बीच में। हमारी किचन ब्राइटर है हमारे बेडरूम से ज़्यादा। कंपैरेटिव डिग्री में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वी यूज़ देन विद द कंपैरेटिव डिग्री एंड द विथ सुपरलेटिव डिग्री। जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा देन का यूज़ करते हैं, टी एच ए एन। सो देन का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ओके, नाउ सुपरलेटिव फॉर्म इज़ यूज़ टू कंपेयर थ्री और मोर वर्ब एक्शन। जब तीन से ज़्यादा वर्ब एक्शंस को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन आर गार्डन। तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जब हम कंपेरिजन करते हैं तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। और इसमें हम हमेशा द का यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें हम किसी एक चीज़ को बाकी सब चीज़ों से बेटर या वर्स्ट बता रहे होते हैं, राइट? जैसे दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन आर गार्डन। ये हमारे गार्डन का सबसे ब्यूटिफुल फ्लावर है, सो मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर, द हमने लगा दिया, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर ये है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये कंपैरिजन किया जाता है दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। ओके, वी डोंट यूज़ मोर और मोस्ट टुगेदर विद एन ई आर और ई एस टी एंडिंग। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि ये पॉइंट यहाँ पर क्यों दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है तो आपको हमेशा ये याद रखना है बच्चों, जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में आ रहे हो, न्यू का हो जाएगा न्यूअर, वी विल ऐड ई आर, और जब हम सुपरलेटिव में आएंगे तो हो जाएगा न्यूएस्ट, ई एस टी हम ऐड करेंगे, राइट? सो जैसे सैडर है, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव? नॉर्मल सैड। ओके, और यहाँ हो जाएगा ये आकर सैडेस्ट। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड के लिए हम ये यूज़ करते हैं बच्चों, गुड, बेटर, बेस्ट। लिटिल, लिटिलर, लिटिलेस्ट। ओके,
नाउ अब हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट, तो ये इसकी कंपैरेटिव हो जाएगी वर्स एंड दिस इज बैड. ओके नाउ वी हैव कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर, सो सुपरलेटिव क्या हो जाएगी उसमें ऐड हो जाएगा ईएसटी लॉन्गेस्ट. ओके एंड द नॉर्मल फॉर्म इज लॉन्ग, राइट. ग्रीडिली वी कैन राइट मोर ग्रीडिली और मोस्ट ग्रीडिली. तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों के कंपैरेटिव में हम यूज़ करते हैं मोर का और सुपरलेटिव में हम यूज़ करते हैं मोस्ट का. ओके तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है. सून, सूनर, सूनेस्ट. ओके सून, सूनर, सूनेस्ट. सो इस तरह से मैंने ये टेबल कंप्लीट किया है एंड यू विल लर्न दिस टेबल. ओके चलिए आगे चलते हैं. नाउ दिस इज बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट. सो आपको यहाँ पर बच्चों करेक्ट डिग्री फिल करनी है. जैसे इट वॉज डैश देन ही हैड एक्सपेक्टेड. सो बच्चों आपको याद होगा मैंने कहा था देन हम किस में यूज़ करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में. तो अब देन आ गया तो यहाँ पर बैड की हमें कंपैरेटिव फॉर्म लिखनी है इट वॉज वर्स. ओके आप मेरे साथ साथ करते जाएं अपनी बुक में. राकेश आंसर डैश देन मुकेश. यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री है इंटेलिजेंटली. सो क्या हो जाएगा कुछ वर्ड्स में बच्चों हमें मोर और मोस्ट ऐड करना पड़ता है जहाँ पर हम ई आर और ई एस टी ऐड नहीं कर सकते. ओके मोर इंटेलिजेंटली. मोर क्यों लगाया है हमने क्योंकि देन आ गया कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं. रीताज हेयर इज डैश देन ऑफ साराज. देन आ गया फिर से कंपैरेटिव डिग्री तो शॉर्टर. रीता के बाल सारा के बालों से ज़्यादा छोटे हैं. दिस बिल्डिंग इज डैश इन द टाउन. सो दिस बिल्डिंग इज डैश इन द टाउन. अब पूरे टाउन की बात हो रही है और इस एक बिल्डिंग की, तो ये बिल्डिंग इस टाउन में कितनी कौन सी है यहाँ पर आ जाएगी बच्चों सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट. ओके अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो आ जाता दिस बिल्डिंग इज डैश इन द टाउन आ गया मतलब टाउन में बताना है कि ये बिल्डिंग कैसी है ओल्ड है ओल्डर है या ओल्डेस्ट है. पूरे टाउन में तो बहुत सारी बिल्डिंग है और जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा तो वी विल राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन. दिस टॉय इज डैश इन दिस शॉप. शॉप में एक टॉय तो नहीं है बहुत सारे हैं. सो ये भी यहाँ पर हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री और यहाँ हम लिखेंगे मोस्ट expensive. ओके इंग्लिश इज डैश सब्जेक्ट ऑफ ऑल. सब सब्जेक्ट्स में मोस्ट इंटरेस्टिंग. ओके द यूएसए इज डैश देन फ्रांस. अब देन आ गया कंपैरेटिव डिग्री है तो लार्ज में हम क्या ऐड करेंगे यूएसए इज लार्जर देन फ्रांस. You are not very tall. Your sister is dash than you. Comparative degree, taller. Right? This church is dash from the town. Town से दूर है. So, this is normal. Far from the town. Okay? Town से दूर है this church. यहाँ पर कोई comparison नहीं होगा. तो ये यहाँ पर positive degree आएगी. These winters have been dash ever so far. अब तक की तो अब तक की सबसे ज्यादा ठंडी विंटर्स. सो हैव बीन कोल्डेस्ट बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री अब तक तो बहुत सारे विंटर्स आई. सो ये हो जाएगा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री. सो आई होप बच्चों के आपको समझ में आ रहा होगा राइट. चलिए आगे चलते हैं. यस वी हैव दिस प्रोवोकेशन एक्सरसाइज पार्टी विद एन एडजेक्टिव. कैन यू रिकोगनाइज द एडजेक्टिव कट ईच बैलून दैट डज नॉट हैव
एन एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? क्वालिटी, राइट. सो चेयर, चेयर क्या है? नाउन है, राइट. ये नाउन है, हम इसे कट कर देंगे. लाउडली, येस दिस इज एडजेक्टिव. कॉस्टली, येस दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव. रन, दिस इज अ वर्ब, तो इसे भी हम कट कर देंगे. ओके, लार्ज मतलब बड़ा, एडजेक्टिव. प्ले इज अ वर्ब, कट कर देंगे. स्विंग, नो दिस इज नॉट एडजेक्टिव. ब्राइट, येस दिस इज एडजेक्टिव. वर्क इज अ वर्ब. नेवर, नो. शॉर्ट इज एन एडजेक्टिव. ओके, सो जो चीज नाउन और प्रोनाउन की कोई क्वालिटी को बताए वो होते हैं एडजेक्टिव, राइट. चलिए आगे चलते हैं. Now we have a composition topic from your book Grammar Glitter ODC by Brain Root series, and we have a composition topic writing message. Message लिखना कैसे होता है बच्चों? Keep the following points in mind while writing a message. So आपको message लिखते हुए कुछ points को अपने mind में रखना है. So first point is enclose the message in a box. हमेशा मैसेज को एक बॉक्स के आप अंदर लिखेंगे. इस तरह से आप एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर अपने मैसेज को लिखेंगे. अ मैसेज शुड बी ब्रीफ. ब्रीफ मतलब बच्चों छोटा होना चाहिए. जितनी इम्पॉर्टेंट बात हमें मैसेज में बतानी है बस उतनी ही हमें बतानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे. डोंट इंक्लूड अननेसेसरी डिटेल्स. अननेसेसरी डिटेल्स आप मैसेज में नहीं डालेंगे. The sender's or receiver's address is not written. ना तो आप sender का address लिखेंगे, ना तो खुद का लिखेंगे अगर आप भेज रहे हैं तो, और ना ही receiver का लिखेंगे जिसके पास आप भेज रहे हैं, उसका भी address नहीं लिखेंगे. Use the language that is appropriate for reader. Appropriate मतलब ठीक, उचित. जो भी पढ़ने वाले के लिए language ठीक हो वही language आप लिखेंगे. Think before you write. लिखने से पहले आप सोचेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं और आपको क्या लिखना है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने माइंड में रखेंगे. Read this telephonic conversation between Sanjay and his friend's brother Abhay. Okay, तो यहाँ पर telephonic conversation हो रही है किसके बीच में? संजय और उसके फ्रेंड के ब्रदर के बीच में अभय. ओके, तो संजय कह रहे हैं, हेलो मे आई टॉक टू मनीष. क्या मैं मनीष से बात कर सकता हूँ? अभय कह रहा है, सॉरी ब्रदर इज़ नॉट एट होम. भाई घर पर नहीं है. ही हैज़ गॉन टू मार्केट विद डैड. वो डैड के साथ मार्केट गए हैं. संजय, हाय अभय, व्हेन डू यू एक्सपेक्ट हिम टू रिटर्न होम. तुम क्या समझते हो वो कब तक घर आएगा? अभय, ही मे बी बैक बाय 5 PM. शायद 5 बजे तक आ जाए. कैन आई हैव अ मैसेज फॉर हिम. क्या मैं उसके लिए मैसेज ले सकता हूँ? संजय, या प्लीज़ टेल हिम दैट आई पंकज एंड रोहन. मैं, पंकज और रोहन आर गोइंग टू बुक फेयर. बुक फेयर जा रहे हैं इन द इवनिंग एट 6, 6 बजे शाम को. वी शैल वेट फॉर हिम एट माई होम. हम उसके लिए मेरे घर पर वेट करेंगे. अब है, ओके आई विल कन्वे यू योर दिस मैसेज टू हिम. मैं तुम्हारा ये मैसेज उसको दे दूंगा. एनीथिंग एल्स, और कुछ? संजय ने कहा, नो थैंक यू. सो अब यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों मैसेज राइटिंग. ओके, अब क्या करना है? अभय को अपने भाई के लिए संजय का मैसेज छोड़ना है. तो वो कैसे छोड़ेंगे? नाउ संजय'स फ्रेंड वॉज नॉट एट होम. सो अभय लीव्स अ मैसेज फॉर हिम. देखिए इसी तरह से यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना हुआ है और हम हमेशा मैसेज को बॉक्स में ही लिखते हैं. सो मैसेज, वहाँ पर डेट है लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे. ओके, ब्रदर, संजय फोन्ड यू एट 3 PM टू इन्फॉर्म यू दैट ही, पंकज एंड रोहन आर विजिटिंग अ बुक फेयर एट 6 इन द इवनिंग. दे वॉन्ट यू टू अकम्पनी देम. यू विल हैव टू रीच संजय'स होम इन टाइम. अब है, सो देखिए कितनी अप्रोप्रिएट बात, मतलब कितने ठीक तरीके से ब्रीफ में कहा गया है ये मैसेज. ओके, संजय का फ़ोन आया था 3 बजे आपको बताने के लिए कि वो पंकज और रोहन बुक फेयर में जा रहे हैं 6 बजे. ओके, सो आपको टाइम से संजय के घर पहुंचना है. ओके, सो इस तरह से ही बच्चों मैसेज लिखे जाते हैं. मैसेज बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सटीक बात.
ओके, ब्रीफ में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने बस वही मैसेज में मेंशन करनी है। कोई सेंडर एड्रेस, कोई रिसीवर एड्रेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लेफ्ट हैंड पे ऊपर आपने डेट डालनी है, जो भी आपका रिलेशन है आपने वो लिखना है, जैसे कि अभय ने लिखा है ब्रदर। ओके, सो वी हैव सम एग्जाम्पल फॉर यू, लाइक नाउ राइट शॉर्ट मैसेजेस फॉर दिस सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर आपको मैं सिचुएशन दे रही हूँ, आपको इसके लिए मैसेज लिखना है। यू आर रिया, मान लीजिए आप रिया हैं, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ के स्टूडेंट हो आप। योर क्लास टीचर आस्क्ड यू टू गिव अ मैसेज टू द मैथ्स टीचर। सो आपकी क्लास टीचर ने, आपकी मैथ्स टीचर स्वाति को एक मैसेज देने के लिए आपको बोला है, दैट सिंस शी वुड नॉट बी कमिंग टू स्कूल फॉर द नेक्स्ट फोर डेज, कि वो चार दिन अगले स्कूल नहीं आ रही हैं, शी वॉज वेलकम टू टेक द सब्स्टिट्यूशन। तो आपकी मैथ्स टीचर वेलकम्ड है सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए। अब आपको अपनी मैथ्स टीचर के लिए एक मैसेज लिखना है। जनरली बच्चों, मैसेज के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं या जो हमें टॉपिक दिए हुए होते हैं, उन्हीं में हमारा पूरा मैसेज छुपा हुआ होता है। बस हमें उसको एप्रोप्रिएट तरीके से, सही तरीके से लिखना होता है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस मैसेज में डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट? सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग अब आप अपने मैसेज में क्या लिखने वाले हैं, राइट? और आपको समझ आ रहा होगा कि मैसेज में किन किन पॉइंट्स को लिखना चाहिए और किन किन पॉइंट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। Thanks for watching. Have a nice day.